फीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तो मैं जा रही हूँ हुसैनगंज, लेकिन उसके पहले जाऊँगी डॉक्टर पी के शुक्ला हैं लखनऊ में, जो कि होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्हीं को दिखाने जा रहे थे, स्लिप डिस्क मेरा हुआ है, उन्हीं से मैं अपना इलाज करा रही हूँ और मुझे रिलीफ है। तो अभी तो मेरा नंबर था 1:15 पे, बट मैं लेट हो गई, 2 बज रहा है। तो अगर आज नहीं मेरा नंबर आया या लेट हो गए होंगे और लोगों का नंबर आ गया हो तो हम कल जाएंगे। तो बस लेकिन एक बार जा रहे हैं कि शायद हम लोग का नंबर आ रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे बताती थी कि आप 1:15 पे आइए तो भी 10-20 मिनट लेट हो जाता था। तो अगर हम लोग का डॉक्टर देख लेंगे तो मच बेटर, तो हम लोग दूसरे दिन जाएंगे। और बारिश होने के बाद उमस है इतनी, गाड़ी में तो नहीं पता चलता बट बाहर है गर्म, बहुत है। और हम लोग हुसैनगंज क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आज है एंजल का बर्थडे। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उसके बाद से हम जाएंगे हुसैनगंज, और एंजल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कल से कॉल कर रही, बुआ कब निकल रही, सुबह से उसने 2-3 बार कॉल किया। और इत्तेफाक से अच्छा है आज संडे है तो हम लोग भी फ्री हैं थोड़ा। इस समय तो डॉक्टर थे बट हमारा नंबर निकल चुका था, तो 1 घंटा नंबर निकल चुका था और 1 घंटे बाद ही हम लोग का नंबर आया था, इसलिए हम लोग ने मतलब मना कर दिया। अब कल आएंगे, कल फिर से नंबर लगवाएंगे एंड कल आएंगे, क्योंकि अभी हुसैनगंज जाना है और भी काम है। हाँ, और इनका फ़ोन टूट गया है तो वो भी या तो नया फ़ोन लेंगे या तो इसकी स्क्रीन चेंज कराएंगे। ये देखिए यार, डेटा है तो स्क्रीन चेंज करानी पड़ेगी हमें ना, इतना डेटा तो है नॉर्मल पर्सनल, एंड इसमें पर्सनल डेटा है कुछ, तो इसलिए पहले इसकी स्क्रीन चेंज कराएंगे। और वैसे ही काफ़ी पुराना हो गया तो नया भी फ़ोन लेने का सोच रहे हैं, तो लेकिन इसकी स्क्रीन चेंज करानी ही पड़ेगी क्योंकि इनको अपना डेटा निकालना है ना। और बहुत ज़्यादा ऊँचाई से नहीं गिरा है, हल्का सा ही ठोकर लगा था, टेबल से ठोकर लगा था। एक्चुअली जब मोबाइल टूटता है ना, यहाँ साइड से गिरता है, मतलब अगर साइड से गिरा तो ही चिटकता है, ऐसे गिरा वैसे गिरा तो नहीं चिटकता है। मेरा भी एक फ़ोन साइड से ही गिर के चिटक चुका, मतलब चिटक के टूट चुका है, बोलना भी नहीं आता था तेरे की। कितने लोग को थोड़ी सी दिक्कत होती है कोई कोई वर्ड में, हिंदी में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे शाम में इनको होती है, हाँ इनको होती है शाम में, हमें नहीं होती है, तुम्हें होती है। 17, 18, गलत हुआ, 2+2, 4+4, 8+8, 16+16, 32+32, 32+32, 64+64, ये मेरे से पापा से तुम चाहते गया हो। 4+4, 8, 8+8। अब हम लोग खाने जा रहे हैं बतासा, एक्चुअली घर से कुछ खा के नहीं निकले थे और अद्विक को भी सरप्राइज देना था। यस, अद्विक का मतलब कल अद्विक को 2 दिन से फीवर था, उसको बर्गर खाने का बहुत ज्यादा मन था, अच्छा आज भी फीवर लग रहा है, तो अद्विक को एक एंड अद्विक को खाना था बर्गर। तो हम लोग आए हैं मैकडी, है ना, वो इनका फेवरेट बर्गर है। और अथर्व आपका कुछ भी, मेरा बड़ा वाला बेटा ना थोड़ा कंफ्यूज रहता है, अगर आइसक्रीम हम लोग खा रहे हैं तो अद्भुत फटाक से बता दे कि मुझे ये खाना है, और वो कंफ्यूज रहता है कि क्या खाएं या तो दोनों ही मिल जाए।
के वेव आए हैं मैगी के लिए, इनसे पहले बहुत ज़्यादा सर आते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है और इस समय बच गया खाई, मतलब सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाँ जितने लोग आ रहे हैं स्पेस ढेर देख रहे कहाँ हवा लग रही है। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा आते थे यहाँ, ऐसे जाते हैं सहारा मॉल कहीं और जगह का बर्गर खाया, बट वेट में काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं हम लोग। खोल के देगा अभी। ये है बर्थडे गर्ल, देखो अभी नहीं तो बर्थडे का अभी 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 हाँ डोरेमोन कोई इधर उधर पूछ रहे मुंह पे कलर के बर्थडे का पास्तिक हैप्पी बर्थडे कर दो अभी गिराएगा। अरे ये बर्थडे गर्ल को हटा के ये खुद बैठ गया, ये आरती कर रहा है, भाभी देखिए आरती कर रहा है, इनको उतार दिया है और खुद बैठ गया। यहाँ कुछ लोगों को गर्मी नहीं लग रही मोनी, गर्मी नहीं लग रही आपको? कैसे कूदी बस 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 हटो हटो करो। स्वास्तिक एंजल को उतार के खुद बैठ गया है एंड सब डर रहे हैं कि स्वास्तिक डोरेमोन को पहले ही ना कट कर दे, और उसने पहले ही केक खा लिया और बस इसके बाद होगी कटिंग। सब लोग बलून मत, उस दिन इतनी गर्मी भी थी कि बता नहीं सकते हैं, तो बस बस आपको लगाएंगे फटाफट टीके। तो अगर एंजल प्रिंस बनती है, एंजल जैसे भी कपड़े पहनती सेम नित्या को भी चाहिए। देखिए भाभी हर चीज़ दो लेके आती है क्योंकि नित्या मेरी सेम टू सेम उसको चाहिए होता है। और इनकी जो फूफा जी हैं इनकी एक आदत है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान, बच्चों क्या बड़ों सबको परेशान करते हैं। तो मैं एंजल को टीका लगा रही हूँ, पीछे से भी गाड़ दे रहे हैं, तो मैंने फिर से दोबारा उसको टीका लगाया और सबको टीका लगेगा फटाफट एंड उसके बाद होगी केक कटिंग।
एंड इसके बाद केक कटिंग होने के बाद सब लोग ने केक खाया और डिनर का मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि फटाफट हम लोग लग गए थे किचन में, सबको फटाफट खाना देना था। तो मैं आपको बता देती हूँ भाभी ने क्या बनाया था। भाभी ने बनाया था खीर, पनीर की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी जो कि कचौड़ी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एंड मैं उसकी रेसिपी कई बार अपने वीडियो में डाल चुकी हूँ। और वो कचौड़ी, बैंगन की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, खीर एंड पुलाव, डिनर में इतना ही था। और ज़्यादातर हम लोग जब ये कचौड़ी बनाते हैं तो बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं तो सेम रहता है। मैं कई बार भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, अगर आप लोग को जानना हो बैंगन की सब्ज़ी कचौड़ी की रेसिपी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ये नित्या कभी गिफ्ट नहीं देती, बट उसने फर्स्ट टाइम अपनी दीदी को गिफ्ट दिया। एंजल जो कि बड़ी है उसने आज तक नित्या को गिफ्ट नहीं दिया, बट नित्या ने एंजल को गिफ्ट दिया क्योंकि वो अपनी दीदी से बहुत प्यार करती है। तो वो बच्चों को पेशेंस नहीं होते हैं। देखिए फटाफट एंजल अपने सारे गिफ्ट खोल खोल के देख रही है और ये हर चीज़ एंजल को, कुछ चीज़ें डबल डबल मिल गई हैं। तो ये देखिए स्वास्तिक उस पर कब्जा जमा रहा है। तो बस मैं आज अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। एंड जो कोई भी नए हो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। ओके, टाटा बाय।